गाइस, आप सबके लिए फिर से जॉब का पिटारा लेके आओ। बहुत अच्छे अच्छे जॉब्स हैं जिसमें फ्रेशर्स के, एक्सपीरियंस के, स्ट्रक्चर्स के, बीआईएम के, लगभग हर लोकेशन के जॉब लेके आया हूँ। चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ की ओपनिंग्स हैं और उन ओपनिंग्स पर आप अप्लाई करिए। अप्लाई करने के बाद अगर आपको शॉर्ट लिस्टिंग आती है तो मुझे मैसेज करिए कि सर शॉर्ट लिस्टिंग आया है, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूंगा। और आज एक बहुत अच्छा गिफ्ट आपको देने वाला हूँ, गिफ्ट के लिए थोड़ा इंतजार करिए, आगे दिखाता हूँ गिफ्ट क्या है। पहले चलिए बताते हैं भाई कहाँ कहाँ ओपनिंग चल रही है। कई लोग पुणे से सर्च कर रहे हैं जॉब, पुणे में बीआई मॉड्यूलर की जॉब चल रही है। इसको इंडियन बायोफ्यूल प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी है, इनके यहाँ पर चल रहा है। रैबिट बी मॉड्यूलर की प्रोफाइल है तो इनको फ्रेशर्स लेवल का एम्प्लॉय चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो बेझिझक इनके यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। और कहाँ पर ओपनिंग है भाई? ठीक है, ओपनिंग्स है बीम आर्किटेक्ट की, ये भी पुणे में ही है। ठीक है, फोर डायमेंशन ग्रुप करके कंपनी है जिनको बीम आर्किटेक्ट चाहिए, लेकिन इनको बी आर्क या फिर एम आर्क वाला बंदा चाहिए। ठीक है, अगर आप बी आर्क एम आर्क हैं तो आप अपना रिज्यूम सॉ भेज दीजिए। डिग्री वाले भी मैं बोलूंगा भेज दीजिए, क्योंकि हो सकता है इनको अच्छे कैंडिडेट डिग्री में मिल जाए तो ये आपको हायर कर सकते हैं। पैकेज आप देख ही रहे, क्या शानदार पैकेज है। तो मे भी शॉर्ट लिस्टिंग आए तो अच्छा है। प्लस ऐसे बड़ी कंपनियों में कई को प्रोफाइल्स का काम होते हैं, तो मान लीजिए उस प्रोफाइल के लिए नहीं दूसरे प्रोफाइल के लिए आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाए तो जरूर भेज दीजिए इनको रिज्यूमे। नेक्स्ट जो कंपनी है, रिपीट हो गई, ठीक है, नेक्स्ट जो कंपनी है एक्चुअली ये वाली कंपनी थी, लीड इंजीनियर्स करके। कौन सी? लीड इंजीनियर्स, इनको चाहिए बीआईएम में। वर्टी करके कंपनी है और ये पुणे में ही कंपनी है। इनको क्या बोलते हैं, बीईपी का अच्छा नॉलेज चाहिए। आज आपको जो गिफ्ट देने वाला हूँ इसी से रिलेटेड है, बीईपी, बीआईएम, इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं इंडस्ट्री में उसका पूरा सेट देने वाला हूँ। ये आपके लिए गिफ्ट है और उस गिफ्ट के लिए पहले आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, करना क्या है, कैसे मिलेगा गिफ्ट वो लास्ट तक देखेंगे। हाँ, एक चीज मेरे दिमाग में आ रहा था कि अगर आप लोग हमें बताएं तो बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट वीक जो मैंने पॉडकास्ट किया था वो बीआईएम पे किया था, और इस वीक आप क्या बीआईएम पे ही पॉडकास्ट चाह रहे हो या फिर आप चाह रहे हो सर स्ट्रक्चर्स में पॉडकास्ट करिए? प्लीज डू कमेंट, क्योंकि संडे को फिर से पॉडकास्ट बनाएंगे, क्योंकि हर संडे को ही पॉसिबल हो पाता है। तो आप कमेंट करेंगे तो जरूर से जरूर मैं संडे को फिर से बनाऊंगा और आप सबके पास लेके आऊंगा। तो बताइए कि बीआईएम में चाहिए इस पॉडकास्ट, के स्ट्रक्चर्स में चाहिए पॉडकास्ट, के साइट में चाहिए, जिस प्रोफाइल में चाहिए, प्लीज डू कमेंट। उस रेशियो के हिसाब से वीडियो को अपलोड किया जाएगा। चलिए, वैसे मैं दोनों रिकॉर्ड करने का प्रयास करूंगा, बट आपको क्या चाहिए वो मैं जानना चाहूंगा, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाए। नेक्स्ट है गाइस जो क्या बोलते हैं, मुंबई के लिए कंपनी है, पुणे की तीन ओपनिंग हमने दिया आपको। मुंबई में एटकिंस, आप सबको पता है, बहुत बड़ी कंपनी है, बीआईएम मॉड्यूलर के लिए इनको चाहिए ओपनिंग सेल की। और इनकी ओपनिंग यहाँ पर आप लिंक्डइन पर अप्लाई कर सकते हैं, इनके डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं। और एटकिंस वैसे अपने आप में बहुत अच्छी कंपनी है, इनको रेविट पर अच्छा नॉलेज चाहिए, ऑटोकैड पर अच्छा नॉलेज चाहिए। अगर आपको माइक्रो स्टेशन आता है तो एडवांटेज है, नहीं आता तो भी कोई दिक्कत नहीं है आपको। अगर ऑटोकैड और रेविट आ रहा है और पोर्टफोलियो के साथ, फटाफट विदाउट एनी लेट अप्लाई कर दीजिए। देखिए ऐसे ये क्या होता है, यहाँ आपको जरूर पढ़ना चाहिए क्या सामने वाले की रिक्वायरमेंट। अगर आपने सामने वाले का रिक्वायरमेंट फुलफिल कर दिया किसी भी कंपनी का, इंटरव्यू में जान लीजिए पहली बात तो रिक्वायरमेंट से ही क्वेश्चन पूछते हैं ज्यादातर। और आप समझिए कि अगर ये आपके पास है तो उनको रखना ही रखना है, ठीक है, क्यों इग्नोर करेंगे। कई कंपनियां बोलती है सर स्किल हमारे, जो हमको जो स्किल चाहिए वो बच्चे मिलते ही नहीं है, तो आप ये पढ़ के जाइए, यही स्किल्स उनको चाहिए, ठीक है जी। तो इसलिए देखिए इन्होंने लिखा हुआ है कि इंग्लिश के अच्छी कम्युनिकेशन नॉलेज चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कंपनी देखते हैं। नेक्स्ट कंपनी है गाइस ये मॉड्यूलर के लिए ही, कंसिस्टेंट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट करके कंपनी है, जिनको ऑटोकैड और रेविट पर और अच्छा मॉडलिंग का नॉलेज हो। नेविस वर्क रहेगा तो एडवांटेज मिलेगा, बीएम 360 है तो और एडवांटेज मिलेगा। भाई फटाफट लेट मत करो मुंबई वाले, जल्दी से अप्लाई कर दो इस कंपनी में। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है बी मॉड्यूलर के लिए, एटकिंस की मुंबई वाली ब्रांच के लिए। तो ये एटकिंस बहुत अच्छी कंपनी है, मैं तो बोलूंगा, मेरे कुछ स्टूडेंट्स काम भी करते हैं, इसलिए आप भी अप्लाई करिए और शॉर्ट लिस्टिंग आप वहां पर गेन करिए और भी मॉड्यूलर की प्रोफाइल्स पर इनको काम करिए। वैसे इनका ज्यादातर काम एमईपी पे दिख रहा है, रेविट पे दिख रहा है, कैट पे दिख रहा है, 3D मॉडलिंग पे दिख रहा है। एटकिंस है ही इतनी बड़ी कंपनी के, हर डोमेन का काम इनके पास है भाई, हर डोमेन का। और पैकेज भी आपको बहुत ही शानदार मिलेगा। वैसे आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले लाइक कर लो, और आप कमेंट करके जरूर से जरूर बताइए कि आपको पॉडकास्ट किस प्रोफाइल पर चाहिए। और कोई पॉडकास्ट देना चाहता है अपने क्या बोलते हैं बैचमेट्स के हेल्प के लिए तो नीचे कमेंट करना कि सर आई वांट टू गिव द पॉडकास्ट, मेरी टीम आपको जल्दी से कांटेक्ट करेगी, ठीक है जी। चलिए देखते हैं, कैट ट्रांस इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो कि कोलकाता की है। कोलकाता के काफी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो मैंने सोचा कोलकाता के लिए जरूर से जरूर बनाते हैं। तो ये कोलकाता में है, बहुत नॉर्मल काम इनके पास, क्या ड्राफ्टिंग, बीआई मॉडलर का काम है, बीम पे प्लान वगैरह बनाना है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर के टर्म्स एंड कंडीशन को समझना है, बीम के वर्क फ्लो को अंडरस्टैंड करना है। अच्छी खासी पैकेज भी है और विदाउट एनी लेट आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं।
तो वेस्ट बंगाल और कोलकाता वाले लोगों, धन्यवाद, आप सब बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आपके लिए 1.5 सारी टिप्स लेके आता हूँ। अगर आपको एमईपी का अच्छा नॉलेज है तो एमईपी बीआई मॉडल को चाहिए, इंटेलिजेंस कंसल्टिंग इंजीनियर्स आईसीई करके कंपनी है, ठीक है? मेरी आवाज सही आ रही होगी, अगर सही नहीं आ रही तो कमेंट कर देना भाई, ठीक है? ओके, और इनकी पोजीशन आप देख लीजिए, इलेक्ट्रिकल मॉड्यूलर भी इनके चाहिए, जूनियर मॉड्यूलर भी चाहिए, फायर प्रोटेक्शन के लिए भी बंदा चाहिए। जिस प्रोफाइल में आपको लगता है कि मैं काम कर सकता हूँ उस प्रोफाइल में लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई कर दीजिए, आज ओपनिंग्स बहुत ज्यादा है, ध्यान से देखना। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है बीम आर्किटेक्ट के लिए, बीम आर्किटेक्ट बीम मॉड्यूलर की प्रोफाइल की ज्यादा ओपनिंग्स के बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है, अगर आप फ्रेशर है तो भी आपका काम हो जाता है यहाँ पर, ठीक है? और यहाँ पर इनको हेलोस ऑनलाइन स्टूडियो है, तो जहां तक हो सकता है ये आपको काम वर्क फ्रॉम होम भी दे दे, ठीक है? और ये जो ओपनिंग्स है ये कोलकाता के लिए ही है, तो आप इनको फटाफट अप्लाई कर दीजिए, अगर वर्क फ्रॉम होम होगा तो मच बेटर, नहीं तो फिर जो कोलकाता के लोग हो जा ही सकते हैं, क्योंकि पैकेज ठीक ठाक दिख रहा है, 3.2 का अच्छा पैकेज माना जा सकता है फ्रेशर्स के लिए। नेक्स्ट जो कंपनी है वो आरजीडीज करके बी मॉडलर के लिए है, बैंगलोर के लिए, क्योंकि बैंगलोर के लिए भी तो चाहिए ना भाई, साउथ में अगर कोई हैदराबाद में तो बैंगलोर तक जा सकता है, ठीक है? कोई कर्नाटका में हो बैंगलोर तक जा सकता है, तो बैंगलोर में ये प्रोफाइल है। आपको अगर बीपी बी में जूसन प्लान बी के वर्क फ्लो को समझना है, इसका नोट्स देने वाला हूँ, लास्ट में बताऊंगा कैसे नोट्स मिलेगा, बता दो क्या, चलो इसके बाद बताता हूँ, ठीक है? कैसे आपको नोट्स मिलेगा, और वो नोट्स मैंने खुद बनाया हुआ है, तो बहुत ही शानदार नोट्स है, आपको मजा आ जाएगा, ठीक है? ऑटो कैड और सिविल 3D, रेविट और माइक्रो स्टेशंस और बीआईएम के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ के जाना पड़ेगा, अगर आपको पढ़ लिए तो आपको सिलेक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। और ये अपने रिज्यूम में भी ऐड करिए, आप क्या बोलते हैं, अपने रिज्यूम में भी ऐड करिए कि हमको इन इन प्रोफाइल्स का नॉलेज है, ठीक है? तो अगर आप रिज्यूम में ऐड करेंगे तो पक्का है कि हेल्प मिलेगा आपको। चलिए आपको नोट्स दिखा देता हूँ, बहुत देर से आप लोग वेट कर रहे हो कि सर बता नहीं रहे गिफ्ट क्या है। तो गिफ्ट है गाइस, जो इस समय इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन क्वेश्चंस का पूरा सेट बना के आपके लिए लाया हूँ, ठीक है? तो उसमें से जैसे कि व्हाट इज बीआईएम, बीआईएम का वर्क फ्लो क्या होता है, एडवांटेज क्या है, बीईपी क्या है, देखना आपने पीछे ओपनिंग्स बीईपी लिखा हुआ था, फेडरल मॉडल क्या होता है, सुना ही नहीं होगा, सुना होगा तो पता नहीं होगा, एलओडी एलओआई में डिफरेंस क्या होता है, ये मैंने खुद से सारे क्वेश्चन बनाया, व्हाट इज रेबिट, हाउ इट इज यूज, नेविसोर क्या है, नेविसोर का काम क्या है, क्लैश डिटेक्शन क्या होता है, कोबी क्या होता है, कई लोग बहुत पहली बार सुन रहे होंगे, ठीक है? डिफरेंस बिटवीन कैड एंड बीआईएम एंड कैड, ये पूरा नोट्स आपके लिए मैंने बनाया है, लेवल ऑफ लेबल्स ऑफ बीआईएम, बीआईएम के लेबल्स कुछ लोगों को पता होगा कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा, तो ये जान लीजिए। व्हाट इज इंप्लीमेंट एंड चेंज, इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, वो कैसे इंप्रूव करेंगे, और रोल क्या होता है कोऑर्डिनेटर का, बीम के सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं मार्केट के अंदर, क्या लेजर स्कैनिंग होता है, कैसे इसको यूज करते हैं, एडवांटेज क्या है रेविट का, डिजाइनर का, इंजीनियर का, आर्किटेक्ट का, बड़े ही शानदार शानदार क्वेश्चन हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आपके बैंक में रहें, मतलब आपके पास रहें, तो आप हमारे ऐप पर, यानी यूनिक्सिविल ऐप मैक्सिमम लोगों के पास होगा ही, ऐप के चैट बॉक्स में जस्ट लिख दीजिएगा आई वॉन्ट बीम नोट्स, या फिर आप लिख दीजिएगा आई वॉन्ट बीम मोस्टली आस्क क्वेश्चन, ठीक है? तो ऐसे आज ऐसे आप लिखेंगे, मेरी टीम के लोग आपको मैसेज करके तुरंत पीडीएफ फॉरवर्ड कर देंगे, और जिसके पास लिंक नहीं है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ, खट से जाइए डाउनलोड करिए, मैक्सिमम लोगों के पास होगा तो वहां से आप मैसेज करिए, आपको मिल जाएगा नोट्स, ठीक है जी? तो ये नोट्स आप ले लीजिएगा सभी लोग, और मैं एक्चुअली नोट्स को देना चाहूँ तो ड्राइव में भी दे सकता हूँ, बट कुछ लोग उसका मिसयूज करने लगते हैं, आप समझ रहे होंगे, ठीक है? इसलिए आप ऐप में लेंगे तो हमें पता रहेगा कौन कौन नोट्स लिया हुआ है, तो आप वहां से अपने नोट्स को लेके अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि बीम के किसी भी फ्रेशर इंटरव्यू में 4-5 क्वेश्चन तो यहाँ से आना फिक्स है, ठीक है? क्योंकि मैंने पूरे रिसर्च के साथ कहाँ कहाँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसके हिसाब से इसको बनाया है। तो आप बिना किसी देरी के, आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो कंप्लीट होने के बाद आप यूनिक सिविल ऐप के चैट बॉक्स में लिखिएगा बीम के मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन वाली पीडीएफ प्लीज सर भेज दीजिए, मेरी टीम के लोग तुरंत आपको फॉरवर्ड कर देंगे, मेरी गारंटी है, ठीक है जी? चलिए अब स्टार्ट करें आगे का सरप्राइज, सरप्राइज नहीं है, आगे की ओपनिंग्स, आगे की ओपनिंग्स है गाइस, जो वो है आरजेडीज करके कंपनी में सीनियर बीम मॉडलर के लिए। अगर आपको बीम का अच्छा नॉलेज है तो इनको बेल्जियम इंफ्रा करके कंपनी है, इनके लिए काम करवाना है, और बहुत अच्छा इनका काम है, मतलब थोड़ा हाई लेवल का है, इन द सेंस एक्सपीरियंस लोग ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है बीम में तो 2 साल का भी एक्सपीरियंस हो तो आप अप्लाई कर दीजिए, बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा पैकेज देती है। नेक्स्ट जो कंपनी है वो आरजेडीज में ही स्ट्रक्चरल, मैंने बताया ना बहुत बड़ी कंपनी है, स्ट्रक्चर्स की ओपनिंग्स इनके यहाँ पर है, ठीक है? कैड का भी नॉलेज होना चाहिए, बीआईएम का भी नॉलेज होना चाहिए, जहां तक इनको स्ट्रक्चर और मॉडलिंग के लिए चाहिए होगा जैसा इन्होंने लिखा हुआ उसके हिसाब से यही समझ आ रहा है, ठीक है? ऑटो कैड भी चाहिए इनको, ईटीएफएस का भी नॉलेज चाहिए, स्टैटफो का भी नॉलेज चाहिए,
और अगर आपके पास ये सारे नॉलेज है या इनमें से दो तीन नॉलेज भी है, जरूरी नहीं कि सारा, क्योंकि सारा मिलना मुश्किल है यार, ठीक है। तो कंपनी भी जानती है कि जितना लिख देंगे तो कुछ चीजें तो आपको आती ही होंगी, तभी आप अप्लाई करोगे। पैकेज भी देख लो, आपको पैकेज भी उस हिसाब से दे रहे हैं। इतना डिफरेंस क्यों है, 5.2 to 14 लाख? भाई 5.2 में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, 14 लाख में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, मतलब उनको पूरा नॉलेज चाहिए होगा। ठीक है जी, अप्लाई कर दीजिए फटाफट, इन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ओपनिंग जो है वो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए एस्पायर लैडर करके कंपनी, क्या नाम है, एस्पायर लैडर। यहाँ पर आप बिना किसी देरी के जल्दी से अप्लाई कर दीजिए, ठीक ठाक पैकेज भी आपको दिख रहा है, बीटेक है, बीई है, एमटेक है, कुछ भी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्टैट प्रो चाहिए, ईटैप चाहिए, प्रो के आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए, आपको ईटैप आता है, अप्लाई कर, ठीक है जी। इनको ये ओपनिंग्स नोएडा के लिए है, तो नोएडा और दिल्ली वाले जो लोग हैं, गुड़गांव वाले जो लोग हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर्स के लिए। और लाया हो स्ट्रक्चर इंजीनियर की ओपनिंग्स, और कौन सी है, डिजाइन इंजीनियर की है। देखिए वीडियो लंबी बनती है, अगर ज्यादा ओपनिंग्स रहता है तो इसको यार लाइक किया करो। और सबसे बड़ी बात यह कि अगर आपको लगता है कि यार मेरे काम की ओपनिंग्स ज्यादा नहीं है, तो एक बार शेयर बटन पर क्लिक करके अपने किसी दोस्त को जो परेशान है उसको भेज दो, क्या होगा, उसको किसी न किसी को शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। कुल मिला के ये काम जो है ये लोगों के शॉर्ट लिस्टिंग के लिए है, लोगों के जॉब के लिए है। अगर आप करते हैं तो हमें भी अच्छा लगेगा कि आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ पर इनके जो काम है आप देख लीजिए, ये डिजाइन इंजीनियर का काम है, इनके यहाँ पर गुड़गांव में ये कंपनी है, तो आप फटाफट इनके यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। नेक्स्ट जो कंपनी है वो है जूनियर स्ट्रक्चरल ड्राफ्टमैन की। अब इसमें आप डिप्लोमा भी किए हैं तो आपका काम हो जाएगा, आरसीसी का नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा प्लान सेक्शन एलिवेशन का भी नॉलेज होना चाहिए, डिग्री किए हैं तो भी चलेगा। देखिए आप लिखा है, फ्रेशर भी प्रॉपर लिखा हुआ है, डिप्लोमा किए तो भी चलेगा, क्योंकि ड्राफ्टमैन है ना, तो हमने इस आइडिया लगा लिया कि हर प्रोफाइल के लोग यहाँ से चल जाएंगे। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइज वो भी वाल्टर पिमोरे सीनियर स्ट्रक्चर इंजीनियर की, पुणे की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है विदाउट एनी डाउट, ठीक है। आप फटाफट इनके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, बी बी टेक एम टेक ये सब इनको रिक्वायरमेंट है। ई टेप्स का अच्छा नॉलेज हो, सेफ का अच्छा नॉलेज, इनका पैकेज बहुत अच्छा रहता है। आइए दिखाते हैं आपको पैकेज कहाँ तक जा रहा है, 1.1 लाख, 12 लाख का एनुअल पैकेज देने के लिए तैयार है कंपनी, मतलब कंपनी आपसे नॉलेज चाहती है, नो डाउट। नेक्स्ट जो कंपनी है गाइज वो है स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के लिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के लिए ओपनिंग्स है, सीडीएम इसमें इनको कंपनी है, इनके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, और ये कंपनी पुणे के अंदर ही है, ठीक है जी। नेक्स्ट जो कंपनी है वो ग्लोबल आर्च टेक्नोलॉजी करके कंपनी है, जिसमें स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर्स की ओपनिंग्स है, ठीक है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पर स्टैट प्रो एनसी स्कैड सॉफ्टवेयर का अच्छा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट जो कंपनी है वो स्ट्रक्चरल डिजाइन इंजीनियर की है, ग्लोबल आर्च टेक्नोलॉजी करके है प्रोफाइल, इसके यहाँ पर ब्रिज स्ट्रक्चरल इंजीनियर की प्रोफाइल है। मैंने कहा ब्रिज की भी कुछ ओपनिंग्स आप ले डालता हूँ, तो ब्रिज में अगर आपके पास नॉलेज है तो आप डाल दीजिए, फ्रेशर्स ही ले लेंगे क्योंकि 15,000 तो फ्रेशर ही लेगा भाई, ठीक है, तो आप इनके यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट जो कंपनी है वो है गैलेटिक्स ग्रुप्स करके, नागपुर की कंपनी है, सिविल 3D की कंपनी है। किसकी, सिविल 3D का काम है, अगर आपको आता है, ऑटोकैड भी आता है, तो सिविल 3D बहुत आसानी से सीख सकते हैं, 10-5 दिन में, एक हफ्ता भी पर्याप्त है, ठीक है। तो आप इनके आप अप्लाई कर दीजिए, अगर आप नागपुर से हैं तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए कि आपको और किस प्रोफाइल के लिए जॉब चाहिए, और कौन सी प्रोफाइल में जॉब चाहिए, नीचे कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। अब मैं बहुत जल्दी सोच रहा हूं कि यहां पर एक गैस बनाते हैं जॉब्स ओपनिंग्स, ऐसा करके एक फोल्डर बनाते हैं जिस पर क्लिक करके ये सारी ओपनिंग्स के लिंक वहां पर मिल जाए और आप वहां से अप्लाई कर सको। ये आइडिया कैसा रहेगा आप जस्ट कमेंट करके बताना। मैं चाह रहा हूँ यहाँ पर जॉब्स ओपनिंग्स ऐसा करके लिखा रहे, और जैसे इस पर क्लिक करें तुरंत आपको सारी ओपनिंग्स अपने यूनिक सिविल के ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाए, तो आपको लिंक उनका खोजना नहीं पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सर्च नहीं करना पड़ेगा, आसान हो जाएगा आपके लिए। कमेंट करिए कैसा रहेगा ये आइडिया, तो उस हिसाब से अपन प्लान करते हैं। बाकी आप लोग ऐप पर जा रहे हैं तो बहुत थैंक यू सो मच, जॉब्स पोर्टल है वो ऑलरेडी अपने पास, बहुत जल्दी इसको भी स्टार्ट करने वाले हैं, बट यहाँ पर जॉब्स का लिंक देना स्टार्ट करने का प्रयास मैं करूंगा, पता नहीं कैसे करूंगा, सीखूंगा कि कैसे करते हैं, क्योंकि मुझे परफेक्टली नहीं आता है, वेबसाइट के अंदर बहुत नॉर्मल चीजें मैं कर पाता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप यू लाइक दिस। थोड़ा 3-4 दिन की गैपिंग होगी क्योंकि मैं बाहर गया, तो बाहर जाते से भाई थोड़ी बहुत ओपनिंग की गैपिंग्स हो सकती है, बट इसीलिए मैं ढेर सारी ओपनिंग्स ला दिया जिससे कि आपके जो भी लेट्स हुए हैं उनके सारे काम हो जाए। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत, ऐसे ही प्यार देते रहिए। और आपको लगता है कि ये वीडियो मेरे लिए नहीं बट मेरे दोस्त के लिए बहुत यूजफुल होगा, बीम में वो तैयारी कर रहा है, वो स्ट्रक्चर्स में तैयारी कर रहा है, यार उसको भेज दो, उसका भला हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक मैसेज नहीं किया यूनिक सिविल ऐप पर, तो आप जल्दी से जाइए, यूनिक सिविल ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, या फिर आपके पास ऐप तो होगा ही, तो अगर है तो उसमें लिंक मैसेज कर दीजिए कि मुझे बीम के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का लिस्ट भेज दीजिए, मैं तुरंत
इमीडिएट भिजवाने की गारंटी मेरा है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।